जैसा कि यार हम इसको बनवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास, भाई ये देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हो यार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग NS 200 पे जाने वाले हैं एक छोटी सी राइड पर, और इसकी नाइट विजिबिलिटी चेक करने वाले हैं कि नाइट में आखिर इसमें दिखता कैसा है। तो ये है हमारा कांसा बेल और ये रही अपनी NS 200। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि नाइट में इसकी विजिबिलिटी कितनी है, और लास्ट में एंड में मैं बताऊँगा आप लोगों को कि इस बाइक की नाइट विजिबिलिटी कैसी है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए रोड की तरफ क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। तो ये अपन लोगों ने करी किल स्विच ऑन। तो चलो यार चलते हैं, गियर लगाते हैं सबसे पहले। ओए होए, तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यार, हमारी बाइक की जो है चेन स्पोकेट ख़राब हो रही है और भाई इसको बनवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास अभी फ़िलहाल में कुछ पैसे भी नहीं है इस वजह से। और सामने की तरफ हमारा एक भाई है जो कि अभी हम लोगों का इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उसके पास अभी बाइक होगी, वरना वो आ जाता अभी तक। तो भाई ये देख सकते हो सर जी के पास थोड़ा इंडिकेटर नहीं है, इस वजह से जो है हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा है। अच्छा, एक्सीलेटर छोड़ के भाई हाथ से काम चलाना पड़ रहा है। अब डबल मीनिंग मत समझो इसको, ये डबल मीनिंग है। तो जैसा कि यार, अरे वाह, ऐसा मैं क्या बताऊं, नहीं है भाई, राइट साइड का गेट खोलना ही नहीं चाहिए जब आप गाड़ी को, कार को किसी को पार्क करते हो तब। लेकिन ये अंधे क्या ही समझेंगे, ये तो ननका के लहके है। तो जैसा कि भाई मैंने कहा था कि नाइट विजिबिलिटी चेक करवानी है आप लोगों को, तो ये देख सकते हो यार नाइट में कुछ इसी तरीके का दिखता है। अब पता नहीं मेरा मोबाइल उस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा होगा या तो फिर नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है आराम से इस चीज़ को कैप्चर कर ले रहा होगा। और देख सकते हो यार ज़्यादा दूर तक लाइट की विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसमें जो है आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, लेकिन भी भाई आप इससे आराम से काम चला सकते हो अपना, आपको अच्छा खासा थ्रो मतलब मिल जाता है काम चलाने लायक। और भाई जो भी है यार, रोड एकदम साफ साफ आपको आधा तो दिख ही जाएगा, जिस वजह से जो है आपका एक्सीडेंट होने से बच सकता है। ये वीडियो ना मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर आप NS 200 एक लेने वाली हो। तो भाई आपको इसके लाइट को शायद तक अपग्रेड कराने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई इसमें जो है उतना तगड़ा लाइट सेटअप आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वीडियो में अगर आपको थोड़ा और मज़ा लेना है तो देख सकते हो हमारे कांसा बेल को रात में किस तरीके का दिखता है। तो बस बने रहो वीडियो में। और भाई इस वीडियो में यही बताने आया था कि NS 200 का नाइट में लाइट विजिबिलिटी कैसा है। तो भाई ठीक ठाक है, और इधर की तरफ जो है R15 खड़ी थी यार, क्या ही बताया जाए, मज़ा आ जाता है देख के। और चलो तो ये रही भाई NS 200। अब मैंने आप लोगों को जो चीज़ बतानी थी वो चीज़ बता दी कि इसकी नाइट विजिबिलिटी कैसी है। तो ठीक ठाक है, आप इसको अपग्रेड करा सकते हो अपने मतलब आवश्यकता के अनुसार। तो भाई बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप इसको अपग्रेड कर लोगे। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतने ही, आपको मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।